सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारसी यादें में। दोस्तों, तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि बागेश्वर धाम सरकार द्वारा छतरपुर जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो कि 13 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा और महाशिवरात्रि का प्रोग्राम भी होगा उसमें और बाकी चीज़ें भी होंगी। एक मुख्य चीज़ उसमें ये थी कि दरबार के साथ साथ 121 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा, सामूहिक विवाह है दोस्तों, ये पुण्य का काम था, मैंने आपको बताया था। तो उसी की अपडेट है दोस्तों कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 20 तारीख को ये 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है, जिसमें भाई एक से एक बड़े बड़े दिग्गज लोग थे देश के सब लोग। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पहले ही बताया था कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बागेश्वर धाम सरकार द्वारा 121 कन्याओं का विवाह कराना जाना था, तो भाई करा दिया गया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग और ये बहुत अच्छा कार्य भी है एक। खैर, आगे बात करते हैं दोस्तों। इस आयोजन में देश भर के साधु संत और महान हस्तियां शामिल थे दोस्तों, बहुत लोग पहुंचे थे। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान जी वहां पे भाई नवविवाहित बालिक बालिकाओं को आशीर्वाद देने पहुंचे थे दोस्तों। ये काफ़ी बढ़िया था, ये अच्छा उनका कदम था। यह आयोजन दोस्तों 13 फरवरी से 19 फरवरी तक चलने वाले समागम में, ठीक है दोस्तों, देश के बड़े बड़े लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे बागेश्वर धाम सरकार के जो भाई चलाते हैं ना उसमें। तो इससे पहले शुक्रवार को बागेश्वर धाम जी शिक्षा दरबार लगाए थे दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी लोगों की उन्होंने समस्या सुनी और चीज़ों को हैंडल किया, मैनेज किया दोस्तों। इस आयोजन में भाई भीड़ तो बहुत होती ही है, जहाँ संत महंत और राजनेता एवं ऊपर से जनमानस उपस्थित होते हैं दोस्तों। भाई बड़ा कार्य है, सामूहिक है, तो भाई लोगों का आना तो यही सी बात है। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार का कोमल हृदय देखिए दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी उनका भाव वही था और चीज़ों सब वही है, सनातनियों को इकट्ठा करने का ये कार्य करें, बहुत अच्छा कार्य है दोस्तों, इसके लिए हम इनका सराहना करते हैं दोस्तों। अच्छा, मलुक पीठ के पूज्य राजेंद्र दास जी, उसके बाद विभोर दास जी, पूज्य संजीव किरान ठाकुर जी और हमारे पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी भी वहाँ मौजूद थे दोस्तों। और जो आपको बताऊँ, लंदन से पधारे पूज्य राजेश्वर गुरु जी और देश के नामी गिरामी संत बृहद के संग मध्य प्रदेश में यह मुख्य आयोजन दोस्तों समाप्त हुआ है और ये कार्य मतलब विवाह जो है कन्याओं को कराया गया और पूरा कार्यक्रम दोस्तों बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ दोस्तों। उन 121 बालिकाओं का जिनका विवाह हुआ उनका जीवन सफल हो गया दोस्तों, जीवन सफल सवर गया उनका दोस्तों, इसके लिए हम काफ़ी प्रसन्न हैं दोस्तों, हम लोग खुशी है। और बाकी प्रोग्राम तो पूरा उनके चैनल पे देख सकते हैं, उनका खुद का प्रसारण होता है, वहाँ जाके देखिए। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।